आईपीएल के मैच में चल रहे सट्टे पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल के मध्य हो रहे मैच पर लगा था सट्टा। मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से लगाया जाता था दांव। सटोरी के कब्जे से 20,200 रुपए नकदी बरामद। मौके से 2 मोबाइल, 1 एलईडी टीवी, 2 रिमोट, सट्टा पट्टी रजिस्टर जब्त। 19,68,000 रुपए का सट्टा पट्टी बरामद। जगदलपुर में रेलवे कॉलोनी का है मामला। मामला जगदलपुर स्थित रेलवे कॉलोनी का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के मध्य हो रहे आईपीएल मैच में कोई व्यक्ति मोबाइल फोन के माध्यम से दांव लगाकर जो है सट्टा खेला रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली हेमंत साहू के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था। और इस टीम के द्वारा दर्शित स्थल पर रेड कार्यवाही किया गया। और इस कार्यवाही के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति शिवानंद सागर उर्फ शिवा, जिसे रेलवे कॉलोनी में मौके पर पकड़ा गया, और जिसके द्वारा जो है मौके पर चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल के मध्य हो रहे आईपीएल मैच में मोबाइल फोन के माध्यम से जो है ऑनलाइन तरीके से रुपए पैसे का दांव लगाकर सट्टा खिलाया जा रहा था, जिसके पास से मौके पर 20,200 रुपए, 1 एलईडी टीवी, 2 नग मोबाइल रिमोट और सट्टा पट्टी का रजिस्टर, जिसमें 19,668,000 रुपए जो है उसकी सट्टा पट्टी लेखन पाया गया था। इस मामले में आरोपी शिवानंद सागर और शिवा को जो है गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में शिवानंद के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में 20,200 रुपए, 1 एलईडी टीवी, 2 मोबाइल रजिस्टर और रिमोट आदि आवश्यक जो दस्तावेज है वो जब्त कर लिया गया है। और अभी यह मामला थाना कोतवाली में कायमी के पश्चात जो है नंबरी हेतु थाना बोधघाट भेजा गया है, जहां इस मामले में अभी अनुसंधान किया जाए।